पे रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन द वीडियो नेवर एस्टिमेट द पावर ऑफ मिथुन दा ऑनेस्ट रिव्यू एपिसोड 4 बाय सम्राट की पाठशाला। सो बिफोर आई स्टार्ट हेलो एंड आई एम मिनाली नेग वेलकम टू माय चैनल रहने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो क्या हाल है, ऑनेस्ट रिव्यू के एक और फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे उस एक्टर की मूवी जिसकी बहन की इज्जत हर मूवी में लुट जाती है और वो अपनी बहन की इज्जत बचाने के खातिर गुंडों से लड़ाई करता फिरता है। जी हाँ, ये मूवी है मिथुन चक्रवर्ती की ही एक किरदार राजू की। राजू जो की पेशे से चोर है बट एट द सेम टाइम वो संस्कारी भी है। मिलिए राजू के परिवार से जिसमें एक उसकी माँ है जिसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसका बेटा जेल में है, एक है उसकी बहन जो अपने भाई से बहुत प्रेम करती है प्लस काफी संस्कारी भी है जिसका आइडिया आप उसके ड्रेसिंग सेंस से लगा सकते हो। राजू की बहन कॉलेज में पढ़ती है और वो इतनी संस्कारी है कि कॉलेज के लड़कों को आंख उठाकर भी नहीं देखती। पर किसी ने सच ही कहा है, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। इस बात का पता हमें तब चला जब मिथुन दादा की बहन के मुखमंडल से ये बातें सुनाई दी। दो एक दिन कहकर तुम्हें पूरे 2 महीने लगा दिए। अरुण तुम्हें जल्दी बात करनी होगी, मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा, तुम समझ रहे हो ना? बताओ, यहाँ भाई जेल में बैठा है और ये मैडम यहाँ लोड होके बैठी है, वो भी इस लौंडे से जो इसके बाद इस लड़की को लोड करने के चक्कर में। जब ये बात मिथुन दादा की माँ को पता पड़ती है तो वो लड़के के घर जाती हैं, पर वहाँ घनघोर बेइज्जती करवाने के बाद वो घर वापस आ जाती हैं और रोते रोते सारी कथा मिथुन दादा को बताती हैं कि कैसे लड़के की बहनों ने उसकी बेइज्जती करी। पर मिथुन दादा संस्कारी हैं, एट द सेम टाइम वो अपनी माँ से प्यार भी बहुत करते हैं, तो जोश जोश में आके वो कसम खाते हैं। वादा करता हूँ कि उन तीनों बहनों को तेरे चरणों पे गिराकर माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। उनके होंठों पर माफी होगी और उनके दिलों में गहरा दुख होगा जो तेरे दुख से भी 100 गुना ज्यादा होगा। अब मिथुन दादा उन तीनों बहनों से बदला लेने के लिए प्लान बनाते हैं। मैं उन तीनों लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा। और कुछ समय बाद क्या हुआ गंगा बेटी? अरे तू तो माँ बनने वाली है। मिथुन दादा का फंडा एकदम क्लियर है, तुमने हमारी एक बहन प्रेग्नेंट करी, हमने तुम्हारी तीनों कर दी, हिसाब बराबर। दिस इज द पावर ऑफ मिथुन दादा, हल्के में ले रहे तुम उन्हें। तो आज हम इसी कहानी का रिव्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले कहानी की शुरुआत होती है जेल से जहाँ मिथुन दादा सबके मसीहा बने बैठे हैं, बट वो रियलाइज करते हैं कि मैंने फैसला किया है कि आज के बाद ये छोटी छपाटी बंद कर दूंगा। पर जॉनी लीवर एक सच्चा दोस्त है, वो उनको एकदम सच्ची सलाह देता है। क्या बैकी बातें कर रहा है? अरे सारे कैदी चिकन मटन खा रहे हैं, तेरे लिए दुआ कर रहे हैं, तू तरक्की करे, बड़ी बड़ी चोरियां करे, बड़े जेल में आए और तू चोरी चकारी बंद करने की बात कर रहा है। बट मिथुन दादा रियलाइज करते हैं कि चोरी चकारी में कुछ भी नहीं रखा, अगर इज्जत की रोटी खानी है तो ट्रेडिंग सीखना और करना पड़ेगा, और यही आपकी हेल्प करता है। मिलिए राजू की बहन से जो अपने भाई से बहुत प्यार करती है और इस मूवी में सिर्फ प्रेग्नेंट होने आई है। मिथुन दादा की बहन फुल टाइम संस्कारी है, लेकिन पार्ट टाइम में समय निकाल के वो अपनी सेटिंग भी कर लेती है और ये घी का मुर्गा उसे प्रेग्नेंट भी कर देता है। मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा, तुम समझ रहे हो ना? ये साला इतना हरामी है कि ये जिस भी मोहल्ले से गुजरता होगा ना, वहाँ की लड़कियाँ इससे सिर्फ एक ही सवाल पूछती होंगी, अरुण हमारी शादी कब होगी? पर ये साला इस बात को भूल गया कि इसकी खुद की 3 बहनें हैं और जिस लड़की को इसने चार्ज किया है वो मिथुन दादा की बहन है, और मिथुन दादा का न्याय विधान सिर्फ यह कहता है कि जो तुम्हारे साथ जैसा करे तुम भी उसके साथ वैसा करो। कोबरा मिथुन दादा की बहन ने जो इतने दिनों से मुंह में दही जमा के रखी थी, फाइनली उसका बाहर आने का समय आ ही गया और उसकी माँ को पता चल गया कि मेरी बेटी की तो किसी ने गिच्ची खोद दी, और वो पूछती है किसका पाप है ये, किसका पाप है ये, तेरी कोख में पल रहा है। पर बेटी बोलती है नहीं माँ, ये पाप नहीं है, हमारे प्यार की निशानी है माँ। पर माँ का मानना यह है शादी से पहले प्यार की निशानी है, पाप ही तो है। अगले दिन मिथुन दादा की माँ लड़के के घर जाती है, मिलिए लड़के के बाप से जो कि एक रिटायर्ड जज है, पर उसके घर का फैसला उसकी बेटियाँ कर लेती हैं। आप जज जरूर हैं मगर रिटायर्ड। ये तीनों लड़कियाँ मिथुन दादा की माँ की तगड़ी बेइज्जती कर देती हैं। ये एक नीच गिरी हुई लड़की की दलालू माँ, इस बुढ़िया को कुछ भी दे दो और चलता करो। ए भिखारन, मुझे बेटा मत बोल। अब जरा सी भी शर्म हया है तो जा अपनी लड़की का गला घोट कर मार डाल, नहीं तो कहीं डूब कर मर जा। पर एक सेकंड, ये आंटी एक्सप्रेशन कैसे दे रही है, इनको किस बात का ऑर्गेजम हो रहा है भाई?
इधर मिथुन दादा जेल से जब आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ हॉस्पिटल में जहर खा के पड़ी है और उसकी बहन प्रेग्नेंट होके पड़ी है। तो इसी दुख के माहौल में मिथुन दादा जोश जोश में अपनी माँ से एक वादा कर देते हैं। और वादा करता हूँ कि उन तीनों बहनों को तेरे चरणों पे गिराकर माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। लेकिन मिथुन दादा को ये सब पता नहीं होता कि वो ये सब करेंगे कैसे। जोश जोश में वो डायलॉग मार तो देते हैं बट उनको करना क्या है ये उनको नहीं पता था। तो इसी बीच उनका दोस्त फिर से उनको अच्छी सलाह देता है। जाके माँ से कह दे कि मैंने मजाक में कसम खा ली थी, क्यों झंझट पाल रहा। पर मिथुन दादा थोड़ा हटके सोचते हैं और वो कहते हैं, मैं उन तीनों लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा। भाई साहब पटाना हम जैसे के लिए मुश्किल होता है, मिथुन दादा के लिए नहीं। मिथुन दादा का बस चले ना तो वो तो अपने पीछे पूरी दुनिया की छोरी बाबरी कर ले। खैर यहाँ से शुरू होता है मिथुन दादा का खेल। मिलिए लड़के की तीनों बहनों से जिनका नाम है गंगा, जमुना, सरस्वती है। गंगा जो की पेशे से वकील है और पार्ट टाइम में गुलाटी मारती है। कमाल की बात यह है की इतनी लड़ाई करने के बाद, गुलाटियां मारने के बाद मैडम के कपड़े पे एक दाग नहीं लगा। खैर छोड़ो, हमें दिमाग नहीं लगाना है। मिलिए दूसरी बहन जमुना से जो कि पेशे से पुलिस वाली हैं और ये भी पार्ट टाइम में गुलाटियां मारती हैं। इनकी बहन के पास इतनी अद्भुत शक्तियां हैं कि ये चाहे कितनी भी गुलाटी मार लें, इनकी खोपड़ी पे जो पुलिस की टोपी है वो साली गिर के नहीं देगी। इनकी टोपी में लग रहा है एंटी ग्रेविटी टूल जिसपे ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। खैर छोड़ो, हमें दिमाग ही नहीं लगाना है। मिलिए तीसरी बहन सरस्वती से जो कि एक डॉक्टर है बट जिसको मैंने आज तक कभी क्लिनिक में नहीं देखा। सरस्वती आपको अक्सर पूजा पाठ करती पाई जाएगी। ये ऐसी डॉक्टर है जो कि सिर्फ लड़कियों का ही इलाज करती है, कहीं ये लेस्बियन तो नहीं है। खैर छोड़ो, हमें दिमाग नहीं लगाना है। तो मिथुन दादा टॉस उछालकर लड़कियों का भविष्य तय करते हैं कि सबसे पहले वो किसे पटाएंगे। मैं तुझे हवा में उछालूंगा, तू जिस पर गिरेगा उसी के साथ मैं अपने प्यार का खेल शुरू करूंगा। सबसे पहले नंबर आता है गंगा का जो कि वकील है और उसे वो लोग पसंद है जो औरत की इज्जत करता है, वही मेरा पति बनेगा। पर एक मिनट, ये वही मैडम है ना जो कुछ देर पहले मिथुन दादा की माँ की गिच्ची खोदने में लगी हुई थी। अब जरा सी भी शर्म हया है तो जा अपनी लड़की का गला घोटकर मार डाल। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो मिथुन दादा प्लान बनाते हैं और गंगा को पटाने का एकदम नया लेकिन घिसा पिटा तरीका अपनाते हैं। एक साइड तो वो दिखाते हैं कि वो औरत की कितनी इज्जत करते हैं। खबरदार, अगर अपने मोहल्ले की लड़की की इज्जत बचाने के लिए मैंने तेरे बेटे को मारा था, आज इस लड़की की इज्जत बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। और दूसरी तरफ वो गंगा में डुबकी लगाने का भी ट्राई कर रहे हैं। माफ कीजिएगा मैडम, खान दादा ने मुझे धक्का मारा था। मिथुन दादा के इस प्रयास से गंगा मैडम मिथुन दादा से पट जाती हैं। जब से तुमसे मिली हूँ मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है, बस सारी रात सो नहीं सकी, तुम्हारी याद में करवटें लेती रही, करवटें लेती रही। देखो ये सिर्फ फिल्मों में ही होता है, रियलिटी में इतनी जल्दी लड़की निपटती है भाई साहब? निपटती देखिए तुमने, अबे हमें खुद 25-26 साल हो के छोरी पटाते पटाते आज तक कोई पटी? तो ये कारनामे साउथ के हीरो और मिथुन दादा ही कर सकते हैं। खैर गंगा का विकेट गिराने के बाद मिथुन दादा फिर टॉस करते हैं और इस बार खाता खुलता है यमुना का जो कि एक पुलिस वाली है। पुलिस वाली को पटाने के लिए भाई पहले एक छोटी बच्ची को किडनैप करता है, फिर यमुना को कॉल करता है। इंस्पेक्टर जमुना स्पीकिंग। हेलो इंस्पेक्टर, ड्यूटी पर हो या ऑफ ड्यूटी पर? मैं हमेशा ड्यूटी पर रहती हूँ। भाई का प्लान ये है कि वो पुलिस वाले की मदद करके हीरो बनेगा बट ये यमुना है और आदमियों को देखकर ये गुलाटी मारना शुरू कर देती है और लड़की को बचाकर ले जाती है। पर यहाँ हमारे मिथुन दादा की पोल भी खुल जाती है कि ये कोई किडनैपिंग नहीं थी। फिर हमारी यमुना मिथुन दादा को थाने में ले जाकर उनकी धुनाई करवा देती है। फिर आता है इस सदी का सबसे रोमांटिक सीन। अब बताओ करीब आओ, कोई सुन ना ले। अब बताओ और करीब आओ। अब बताओ, पुलिस आ भी रही। और करीब। वैसे तो भाई की आंख बंद थी लेकिन लड़की के पास आते ही भाई के सारे फंक्शंस काम करने चालू हो जाते हैं। और फिर आता है इस सदी का सबसे भयंकर प्रपोजल। आई लव यू, पूछ। भाई का यह जुनून देखकर यमुना मैडम पानी पानी हो जाती हैं और उनके पानी का स्तर बढ़ जाता है और वो रात भर सफेद कपड़ों में ऑर्गेजम फील करती हैं। और सुबह होते ही मिथुन दादा के घर की ओर रवाना हो जाती हैं। यहाँ मिथुन दादा औंधे पड़े हैं बट उनका जोश जरा भी कम नहीं हुआ है। दर्द हो रहा ना भी? अरे जिसने ये दर्द दिया है ना, उसने अगर फूल नहीं बरसाए तो मेरा नाम राजू नहीं। जैसे ही मिथुन दादा को पता चलता है कि लड़की उनके घर पे आ गई है, मिथुन दादा लड़की को देख के जोर जोर से चिंगाड़ने लगते हैं।
पर ऐसी सिचुएशन में भी आदमी एक चीज कभी नहीं भूलता, वो है थरक। इन नाजुक नाजुक हाथों को तकलीफ होती है इसीलिए दर्द हो रहा है। अबे साले। फाइनली जमुना भी पट गई। अब नंबर है सरस्वती का। भाई अब सरस्वती को पटाएगा। पहले भाई उसे पानी में डुबो के बचाता है, पर ये ट्रिक काम नहीं आती। पहले मुझे पानी के अंदर घसीटा, फिर बचाया, अब दांत दिखा रहा है, समझा क्या है मुझको बेवकूफ। फिर मिथुन दादा जॉनी लीवर को हनुमान बनके रात को उसके घर भेज देते हैं। भाई साहब तुम लॉजिक देखना, एक तो ये जज का घर है, ऊपर से लड़की डॉक्टर, उसके बाद भी इतनी मंद बुद्धि है। साफ साफ पता चल रहा है कि ये कोई बहरूपिया है, लेकिन उसके आगे हाथ जोड़े खड़ी है। दिमाग तो नहीं लगा रहे हो ना तुम, दिमाग नहीं लगाना है। हाँ तो भैया भगवान जी के कहे अनुसार सरस्वती भी मिथुन दादा से पट जाती है। एक बात कहूँ, भगवान की इच्छा बहुत सुंदर है। अब तुम कमाल देखो, तीनों सगी बहन, तीनों की बॉन्डिंग भी अच्छी है, पर तीनों को ये नहीं पता कि वो तीनों एक ही लौंडे पर सेट हैं। हकीकत में ऐसा होता है क्या? अबे यहाँ तुम किसी एक लड़की से बात कर लो तो पूरे मोहल्ले में क्या पूरे साले शहर में चर्चे होने लग जाते हैं कि फलाने की तो सेटिंग चल रही है, और यहाँ घर में कढ़ैया हो गया और किसी को पता ही नहीं पड़ रही है। ये मिथुन दादा है, कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब। फिर एक अंधेरी रात में मिथुन दादा अपने प्लान के सफल होने का जश्न मना रहे होते हैं। ये वही रात है जब मिथुन दादा इन तीनों लड़कियों की ईंट से ईंट बजा देते हैं। फिर हमारे मिथुन दादा एक एक करके गंगा यमुना सरस्वती तीनों का पानी चख लेते हैं। कुंडी लगा ले सैया, बाप रे क्या मूवी है। और सुबह उठने के बाद ये बोलते हैं, मेरी इज्जत लूट गई यार, मैं बर्बाद हो गया। अरे दादा तुम नशे में तीनों को डसाए, अब शरीफ बन रहे हो। खैर अब वो वेला आती है जिसका मिथुन दादा को बेसब्री से इंतजार था, माँ से माफी मंगवाने वाला। सबसे पहले गंगा को पता चलता है कि जिसकी उसने बेइज्जती करी थी वो तो उसकी सास ही निकली। तब वो माफी मांग के और अपनी सास से ये डायलॉग मार के चली जाती है, मुझे माफ कर दो माँ, जिस घमंड ने आपकी बेइज्जती किया था अब वो टूट चुका है, उसकी जगह प्यार ने ले लिया है। फिर नंबर यमुना का आता है, वो भी सेम काम करती है। मैं आपके बेटे राजू से प्यार करती हूँ। सिमिलरली सरस्वती भी वही काम करती है, मैं आपके बेटे राजू से प्यार करती हूँ। ये सब देखने के बाद मिथुन दादा की माँ पूछती है, ये सब क्या है राजू। फिर तीनों बहन आपस में बैठ के मीटिंग करती है और उस मीटिंग के निष्कर्ष ये निकलता है, इसका मतलब है राजू ने हम तीनों बहनों को अपने प्यार में फंसाया है। फिर तीनों बहनें अपने भाई को पकड़ लेती हैं कि साले तेरे चक्कर में राजू हम तीनों बहनों की गुल्लक फोड़ गया। मधु के भाई राजू ने अपना बदला लेने के लिए हम तीनों को अपने प्यार का शिकार बनाया है। बताओ अरुण अब हम क्या करें। फिर आता है वो पल जिसके बाद सब कुछ बदल गया। शर्मा साहब आपका शक सही है, आपकी तीनों बेटियां गर्भवती हैं। तीनों बहन लाइन से मुंह में दही जमा के बैठी थीं और बारी बारी से उसे उल्टी कर रही थीं। जब ये बात मिथुन दादा की माँ को पता चलती है तो वो मन ही मन सोच रही होंगी, बताओ इतना मादर लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊँ। पर मिथुन दादा बोलते हैं, इस वक्त मैं तुझे सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ अपने खून पर भरोसा। बाद में पता चलता है कि प्रेग्नेंट तो सिर्फ एक ही हुई थी, बाकी दो तो नाटक कर रही थी। झूठ? हाँ, हमने झूठ कहा था कि हम माँ बनने वाली हैं। दरअसल जब तुमने उल्टी की तो मैंने सोचा राजू को पाने के लिए नाटक कर रही हो, इसलिए मैंने भी नकली उल्टी की। ये देखकर मैंने भी उसी उल्टी के ड्रामे का सहारा लिया। और बाद में मिथुन दादा उसी लड़की से शादी कर लेते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी। हाँ तो भैया कहानी समाप्त। तो इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें कोई शिक्षा नहीं मिलती है। शिक्षा बस यही है कि घर जाओ, अपने काम धंधा करो, माँ बाप की सेवा करो, कुछ नहीं रखा है जीवन में। बॉलीवुड वाले हमारा काटता आए हैं, काट रहे हैं और काटते रहेंगे। आज का ज्ञान समाप्त। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अगर हमारी पाठशाला में नए हो तो सब्सक्राइब करो बे। अगर आपको हमारी बकचोदी पसंद आती है तो आप हमें अदर सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक फॉलो करें और पाए 1,00,000 रुपए अपने डेमो अकाउंट में, और साथ ही यूज करें मेरा प्रोमो कोड सम्राट30 और पाए 30% तक एक्स्ट्रा बोनस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। तो जाओ भाई ट्रेड करो, अपना प्रॉफिट एंजॉय करो। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला। ओवर एंड आउट। ओके बाप रे क्या स्टोरी थी। मतलब राइटर भी पागल, उसमें काम करने वाले मूवी देख के भाई शिक्षा है, इससे क्या शिक्षा मिलती नहीं है। ओह गॉड सीरियसली, फाइनली उससे शादी करते जो एक्चुअली में प्रेग्नेंट रहती, बाकी के दो नाटक करते उसको पाने के लिए, और सारा बदले वाला खेलता कि मम्मी के पैर छुए छूने को लगाएंगे।
बहन वहां तक ही थी बेचारी, प्रेग्नेंट होने तक उसके बाद मूवी में थी नहीं। ये मतलब मेरी ऑलरेडी इतनी तबीयत खराब है और ऊपर से ऐसा मूवी, कैसे बोलने क्या करने का मुझे समझ में नहीं आया। ओ गॉड सीरियसली, पटाया 2 दिन में 3 लड़कियों को पटाया, इतना टैलेंट मैंने कभी किसी में नहीं देखा सच्ची में जितना मिथुन दा में था। इसको ज्यादा नहीं हो गया टैलेंट, टैलेंट से भरा हुआ इंसान, टैलेंट ओवरफ्लो। तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन द वीडियो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मिथुन दा, ऑनेस्ट रिव्यू बाय सम्राट की पाठशाला। आपको और भी ऐसी वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कैसे ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत निहाल।